Okay, so this is all your presentation. Now you can apply transition as well on this slide. For example, push, split, random bars, and next cover, for example. Okay, now here you can use, for example, इस पिक्चर पे आपने एनिमेशन अप्लाई की, फ्लोट इन इस पे किया, जी एक तो होती है एंट्रेंस की या एनिमेशन, और एक होती है एग्जिट की। एग्जिट वाले का क्या काम होता है पावर पॉइंट पे? एग्जिट वाले का काम ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने कर ली सारी, कर ली आपने एंट्रेंस, अब आप चाहते हो जो आपकी जो है एंट्रेंस हुई है वो अब एग्जिट हो जाए, दूसरी आ जाए उसकी जगह, समझ में आ रही है? दैट आई विल यस टेल इन द क्लास, वो दोनों भी होंगे तब। अभी जस्ट आई एम जस्ट वर्किंग ऑन योर प्रेजेंटेशन, ओके। और फिर थोड़ी सी बेसिक चीज होगी वो मैं आज करवाऊंगी, आज मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगी क्योंकि उन दोनों से मिस ना हो जाए ज्यादा, क्योंकि फिर भी रिकॉर्डेड वीडियो तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, बट स्टिल क्या खबर ना समझ में आए वीडियो से, तो बेसिक आज मैं करवाऊंगी। इज इट क्लियर? फिर जैसे फॉर ओके एग्जाम्पल प्लस पे मैंने अप्लाई कर दिया एनिमेशन, इस सर्कल पे, स्क्रीन पे, अभी तो मैं आपकी प्रेजेंटेशन को करेक्ट कर रही हूँ, और राइट इन पे हो गया। फिर नेक्स्ट है ये, फॉर एग्जाम्पल या तो आप सिंपल इस बॉक्स पे अप्लाई कर दो, ठीक है, इट्स इनफ, नहीं तो बॉक्स पे अप्लाई करने के बाद एक-एक नाम पे सिलेक्ट करो, एक-एक लाइन पे, फिर उन पे अप्लाई करो एनिमेशन, ठीक है? फॉर एग्जांपल इस पे मैंने बाउंस कर दिया, इस पे मैंने फ्लोट इन कर दिया, इस पे मैंने फेड कर दिया फॉर एग्जांपल, एंड इस पे मैंने शेप कर दिया, और बस इट्स ऑल फाइन, ठीक है? अब जरा चेक करते हैं। Now it's all fine. Yes. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक नो टीचर। है, ऑल राइट। चलो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइन। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स इन शेप। As you said and asked yesterday that how can we use text box in shapes? So we will use text box in different shapes. How can we use text box in different shapes? So that we will see today. Okay. So this is all about yesterday work. All right. So यहीं पर ही जो है मैं ले लेती हूँ एक न्यू स्लाइड. All right. फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद एक शेप मैंने ले ली, फॉर एग्जाम्पल शेप मैं लेती हूँ, मैंने ये ले ली एक शेप, ओके, ये शेप ले ली, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर, सिलेंडर से रिलेटेड मैं कुछ ले लेती हूँ और वो लिखती हूँ,
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिलेंडर से रिलेटेड कुछ चीजें ले ली, ठीक है, जैसे कि ये मैंने इतना ले लिया, आई गेस इट इज इनफ। मैं यहाँ से इसका इनका कलर एक कर लेती हूँ, फाइन। इस तरीके से मैंने ले लिया, इस पे मैंने सिलेंडर है, सिलेंडर को थोड़ा सा मैंने बोल्ड किया, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया, फाइन। यस और जो है ये यहाँ से इसको ये किया, इस तरीके से मैंने जो है कर लिया। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सिलेक्ट, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स ही मैं सिलेक्ट करूँ, मैं जस्ट सिंपल इस शेप पे भी एडिट करके, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके मैं कर सकती थी। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फॉर एग्जाम्पल ये एड टेक्स्ट किया था ना मैंने, तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि मैं इसका वो चेंज कर सकती हूँ, क्या कहते हैं, शेप दे सकती हूँ इसको। अब ये देखो, इसको मैं शेप दे सकती हूँ, मतलब इसका कोई मिक्स एंड इनका जो है कोई कंट्रास्ट में जो कलर है मैं वो सिलेक्ट कर सकती हूँ, कंट्रास्ट में कलर। कोई इसका कंट्रास्ट में हम कलर देखते हैं, यही मैंने रखा, थोड़ी सी आउटलाइन हम इसकी चेंज करेंगे, सी नाउ थोड़ा सा जो है मिक्स हो रहा है, उसको थोड़ा सा जो है हम छोटा कर लेंगे, फाइन। इज इट यस क्लियर? तो ये इस तरीके यस से जो है हम कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट बॉक्स में ये होता है, इफ यू सी ये साइड पे हो नहीं रही। अब क्या करेंगे इसके लिए कि ये एक ही साथ रहे, मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, राइट क्लिक, और ये सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पे क्लिक किया, राइट, फिर राइट बटन क्लिक करूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा ग्रुप, ग्रुप कर दूंगी, ठीक है, ये एक साथ हो गया। तो मैं आराम से इसको इजिली ले जा सकती हूँ साइड पे। क्या किया मैंने, मैं फिर दोबारा बताती हूँ, सिंपल इज दैट, मैंने क्या किया, सिलेंडर पे क्लिक किया और जो है कंट्रोल का बटन प्रेस किया, फिर ये सिलेंडर जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्लिक किया था उस पर क्लिक किया, ठीक है, और फिर सब कुछ छोड़ दिया और राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सॉरी, कंट्रोल रखने के बाद ही क्या हो रहा है, एक सेकेंड, कंट्रोल किया, फिर उसके बाद इस पिक्चर पे क्लिक किया, ठीक है, आराम से राइट क्लिक किया और ग्रुप कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये एक साथ हो जाएगी, ये हमें बार बार प्रॉब्लम नहीं करेगी। इज इट क्लियर? ओके फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ये एक क्यूबॉइड, मैंने यहाँ पे ले लिया क्यूबॉइड, ठीक है, मैं पहले तो जाके क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ लिख लूँ, ठीक है, मैं इसका चाह रही हूँ इसका कलर चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, ठीक है, अब या तो मैं इस पिक्चर पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके ये लिख लूँ, ठीक है, नहीं तो जैसे कि आप जो चाह रहे थे इंसर्ट पे जाकर टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करके फिर मैं लूँ, तो फिर मैं ये ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है, और इस पे मैंने लिख दिया क्यूबॉइड से रिलेटेड, और ऊपर हेडिंग दे दूंगी मैं क्यूबॉइड, ऑलराइट, इस पे ही डबल क्लिक किया, ये थोड़ा सा कंट्रास्ट में आ गया, इज इट क्लियर?
यस यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो इट्स फाइन। अब यस अगेन अगर मैं इस पिक्चर को इधर उधर करूंगी तो क्या होगा जरा देखना। ये पिक्चर, ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं जा रहा इसके साथ, तो इसको मैं क्या करूंगी, पहले मैंने पिक्चर पे क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस किया, फिर ये इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया। टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, और टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया और ये ग्रुप का ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये ग्रुप हो गया। इज इट क्लियर? यस यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक नो है, हम इस पे इस तरीके से कर सकते हैं। फाइन, बहुत सारी शेप्स हैं, वी कैन यूज सो मेनी थिंग, सो मेनी शेप्स, एंड वी कैन राइट जस्ट लाइक दिस। इज इट क्लियर? यस ठीक है, अब आप करके दिखाओगे? ओके टीचर ओके। यहाँ पे पता है हाशिम क्या हुआ है, आपका टेक्स्ट बॉक्स और आपकी शेप एक ही लेंथ के इक्वल हो गई। नो, आप इसको रिमूव करो, अपने नेम को रिमूव करो। चलो फिर दोबारा ले लो, कोई मसला नहीं है, कोई सी भी शेप ले लो। और थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करो, थोड़ा सा और इंक्रीज कर लो अभी फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, अब इस पे आपने कंट्रोल रखा हुआ है ना, इस पे हटा दो, पिक्चर को अनसिलेक्ट कर दो, पिक्चर को अनसिलेक्ट किया है। अब आप टेक्स्ट बॉक्स लो। यस, गुड गुड। हाँ, अब लिखो। चलो ठीक है, ओके। अच्छा, एक काम करो, एक काम करो, मैं बताती हूँ। ये जो आपके आपके पास 4 स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा इनसाइड की तरफ जो है मूव करो। मतलब कि जो स्मॉल स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करो। यस 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 यस। नहीं, वेट, अब आप इसको ना मेरे पास देखो, अपनी स्क्रीन स्टॉप करो, इसको मैं दिखाती हूँ। सी नाउ, ये सेट कर लिया मैंने, ये देख दिख रहा है हाशिम, दैट इज क्लियर? अगर आप यहां से भी टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हो तब भी ठीक है। लेकिन टीचर जब सो हमें बाद में इसका साइज तो इंक्रीज कर सकते हैं ना टेक्स्ट बॉक्स का तो यस, माय नेम इज मिस्टर साजिद।
आई एम अ पीसी, रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बड़ा करना चाहें या छोटा करना चाहें, इट डिपेंड्स अपॉन अस, ओके ठीक है. अभी ये बड़ा नहीं होगा क्योंकि हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी वो हमारी फुलफिल हो गई है, तो मैं इस बॉक्स को भी थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, फाइन. अब इस पे डबल क्लिक करूंगी, शेप फिल पे जाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, मैंने फर्ज करो ले लिया ये ब्लू कलर, ठीक है, एक ऐसी बता रही हूँ. इज इट क्लियर? बस को बोल्ड कर दिया यस था मैं. एनी प्रॉब्लम ओवर हेयर? नो अब वही चीज के ये वाली पिक्चर और पीछे की जो शेप है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स और जो पीछे की जो पिक्चर शेप है, ये एक साथ मूव नहीं करेंगे. तो पिक्चर पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, फिर इस पे क्लिक, इस वाली टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और राइट क्लिक किया, तो मेरे पास ग्रुप आ जाएगा. समटाइम्स कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कर्सर वगैरह जो है, अगर हम लीव ना करें. रजिस्टर देखो आप, एनी प्रॉब्लम? ओके नो? अब दिखाओ आप मुझे. टीचर, अभी भले ग्रुपिंग नहीं करना, अभी सिर्फ मुझे इतना दिखा दो कि आप पिक्चर के ऊपर जो है टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर पा रहे हो या नहीं. टेक्स्ट बॉक्स आप तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स पहले से हुआ हुआ है ना। नहीं हुआ हुआ ना, देखो मेरी तरह नहीं हो रहा. आप इसको डिलीट करो. ओके इसको डिलीट करो. डिलीट मेरे से मुझे नहीं आता, बट अच्छा, इसके ऊपर रख के राइट क्लिक करो. हाँ, हो तो गया. बटन से किया था अभी। हाँ हाँ बस ठीक है, कोई मसला नहीं. ठीक है. और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिया। यस, अब देखो हो गया ना. यस वो स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, आई गेस कुछ प्रॉब्लम आ रही थी. होता है कभी कभी स्टार्टिंग में. असल में टीचर वो स्टार्टिंग में इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ से लिया था मैंने, शेप्स में से लिया था, और नहीं अब भी मैंने नहीं यहाँ से कोई लिया था। मसला नहीं है. शेप से लो, यहां से लो, एक ही बात है. ठीक है. इस पे किया कंट्रोल और इस पे राइट किया। जबरदस्त, वेरी गुड. कहीं पे भी आप इसको मूव कर सकते हो. आया समझ? यस अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेनी है. फॉर एग्जाम्पल इसमें सिलेंडर है, सिलेंडर से रिलेटेड आपने लिखना है. नेट से निकाल लेना एक एक वर्ड की डेफिनेशन, ठीक है. हाँ चलो, ये लेके दिखाओ. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसमें फिर कैसे लिखोगे आप. नहीं, सर मुझे छोटा सा लिखना था एक सेंटेंस। और थोड़ा इसको भी, यहां से भी ऊपर से भी बड़ा करो थोड़ा सा. इसको बस बस ठीक है. चलो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स और फिर और अब इसका साइजिंग फील्ड और बोल्ड और साइजिंग सही है। हाँ.
अब और चेंज तो करो ऐसी। बस नहीं, अब सिर्फ ये करना, योर नेक्स्ट टास्क बस यहाँ पे क्लास एंड हो रही है, ठीक है। अब मैं इतना ज्यादा तो नहीं करा रही क्योंकि शहरयार और आदित्य है ही नहीं, बस इट्स फाइन। नाउ योर टास्क इज टू क्रिएट डिफरेंट शेप्स लाइक दिस एंड यूज टेक्स्ट बॉक्स इन दोज शेप्स। सिलेंडर मैंने करके दिखाया था, सिलेंडर, क्यूबॉइड, और भी शेप्स हैं। आप खोलो, इंसर्ट पे जाके शेप्स को ओपन करो। जस्ट वन वन लाइन सेंटेंस आपने लिखना है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम ले लेना, सिलेंडर ले लेना, ट्राइंगल ले लेना, तीन चार शेप्स, 3 to 4 5 शेप्स ऐसी लेके इस पे वर्किंग करनी। दिस इज योर प्रोजेक्ट फॉर टुडे, होम टास्क, ओके ठीक ठीक है। और एक्शन बटन्स भी हैं आपके पास कुछ, वो भी ले सकते हो, देख लो कि वो क्या बताते हैं। तो है। जस्ट क्या वन वन एक्शन लाइन, बटन्स जैसे जैसे ये डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, एंड हो गया, होम हो गया। यस, एग्जैक्टली। सो इस तरीके से तो आप वो ले सकते हो और उसके बारे में जस्ट वन लाइन लिख सकते हो, या कोई भी जस्ट वर्ड, वन वर्ड लिख सकते हो, जैसे कि अभी आपने लिखा गो दिस वे। फाइन, सो इट्स क्लियर। ओके यस यस, सो हम यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू, बट मेक श्योर कर लेना थोड़ा सा कलर कॉम्बो अच्छा रखो, ओके टीचर, तो ठीक है। लव ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। इज